हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी मिरर लगाना। ये मिरर आप कहीं भी कुर्ती पर, नेक लाइन पर, बॉर्डर बनाने के लिए कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लुक आती है इससे, मिरर लगाने से। ये मिरर वर्क होता है और ये मिरर हल्के बहुत होते हैं, ये हैवी नहीं होते हैं कि हमारी जो कुर्ती पर हम यूज़ करें तो वो कुर्ती हैवी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत हल्के मिरर होते हैं, इसे मिरर और सितारे कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये कैसे होते हैं। तो जो ये है, वीडियो कैन में मैं आपको ज़रूर शो करूँगी कि जो मैंने इन मिरर्स को लगाकर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो भी चीज़ों पर मैंने इसे किया हुआ है, वो मैं वीडियो के एंड में आपसे उनकी पिक्चर जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी इसको, इन मिरर वर्क को करने के लिए। तो देखिए, रेगुलर निडल मैंने लिया है, जो रेगुलर निडल होता है वही। एक जो ये मिरर है, जो ये मैंने येल्लो कलर में लगाया हुआ है, आप देखिए जो येलो कलर का ये मिरर है, ये नॉर्मल थ्रेड से लगाया है। जो ये नॉर्मल रील होती है, थ्रेड होता है कॉटन का, इसी से लगाया हुआ है। तो मैं आपको इससे भी लगाना बताऊंगी। और एक जो मैंने ये पिंक वाला मिरर लगाया हुआ है, ये एंकर के थ्रेड से लगाया है। देखिए, ये एंकर का थ्रेड है, ये एंकर का थ्रेड होता है, ये देखिए। एक मैंने इससे लगाया, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। देखिए, ये मिरर के साइजेस होते हैं, अलग अलग आते हैं ये साइजेस। एक ये साइज़ है, एक छोटा साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ ये कौन से मिरर्स होते हैं। मिरर्स नहीं, इनको सितारे भी बोलते हैं। ये मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं, ये देखिए, ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं ये मार्केट में। और मैंने सबसे पहले क्या किया, इनको लेके, हर साइज में मेरे पास ये हैं, इनको लेके मैं क्या करती हूँ, ग्लू से मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, मैं इसे यहाँ पर फैब्रिक पर पेस्ट कर लेती हूँ ताकि ये कहीं पर भी हिले नहीं। जब मैं इस पर वर्क करूँ तो ये हिले नहीं, इसलिए मैं पहले इन्हें जो है पेस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने निडल में येलो कलर का जो रील का धागा था, जो ये वाली रील का धागा था, ये डाल लिया है। इसे मैंने कैसे डाला है, ये देखिए, ये टू स्ट्रैंड्स लिए हैं मैंने, ये देखिए टू स्ट्रैंड्स को डबल करके ये मैंने डाल लिया है। एक साइड से मैंने इसे छोटा रखा है, एक साइड से मैंने इसे बड़ा रखा है, और एक साइड से मैं इसमें नॉट लगा दूंगी। देखिए, नॉट लगा दिया मैंने इसमें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा मिरर बताऊंगी। सबसे छोटा मिरर ये देखिए, हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसे इधर से स्टार्ट किया है। अब हमने सबसे पहले ना स्क्वायर बनाना होता है, जैसे मैंने ये बनाया, आप देख सकते हैं ध्यान से, उसी तरीके से सबसे पहले मुझे ऐसे यहाँ पर बाउंड्री बनानी है, उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे वर्क करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये करना बताऊंगी। देखिए, स्क्वायर बनाना है सबसे पहले हमें, इसे हमने टू टाइम स्क्वायर बोलते हैं, हम टू टाइम स्क्वायर बनाते हैं। देखिए, एक लाइन हो गई, फ्रेम को घुमाएंगे दूसरी साइड से, निडल को छोटा सा निडल में अपना ये फैब्रिक उठाएंगे और भी लगाएंगे, फिर से फ्रेम को घुमाएंगे, थर्ड साइड आ जाएगी। देखिए इस तरीके से, और ये हमारा थ्री साइड्स हो गए हैं। फोर्थ साइड में हम यहाँ से नीचे निकाल लेंगे। देखिए, एक स्क्वायर हमारा बन गया है ये। अब देखिए, कहीं से भी फोर साइड्स हैं इसकी, किसी भी साइड के सेंटर में से हम एक बार निडल को निकालेंगे। देखिए, फिर हम जो दूसरी साइड होगी उसके सेंटर, जो ये देखिए सेंटर है, सेंटर पार्ट है ये, सेंटर पार्ट के ये सेंटर में से हमने इसको इस तरह से उठाना है। ये देखिए, अब हम एक और स्क्वायर बना रहे हैं, इसके ऊपर ही ओवरलैप करके एक स्क्वायर और बना रहे हैं। दूसरी साइड है, दूसरे सेंटर, जो दूसरा का सेंटर है, उन दोनों के सेंटर में से हम एक बार और उठाएंगे, फिर से फ्रेम घुमाएंगे। देखिए,
थर्ड वाली सेंटर में से हमने उस निडल को निकाला, और जो फोर्थ वाला सेंटर है हमने निकालना नहीं है, हम बस इसके अंदर डाल देंगे, नीचे निकाल देंगे। तो देखिए टू टाइम्स जो है वो स्क्वायर बन गया है, ये देखिए टू टाइम्स जो है वो हमारा स्क्वायर बन के रेडी है। अब हम इसे कहीं से भी इसके ऊपर वर्क करने के लिए हम कहीं से भी निडल को निकालेंगे, कहीं से भी किसी भी पार्ट से हम निकालें, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, बटन होल स्टिच भी इसे हम कहते हैं, जो हम मैप बना रही हूँ, बटन होल भी ऐसा ही बनता है, और हिंदी में हम इसे कार्ड स्टिच भी बोलते हैं। इसे हम जैसे हम सूट्स के साइड में आई बनाते हैं वो भी इसी स्टिच से बनाते हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। इसे हम कर लेंगे कम्प्लीट। देखिए क्या करना है, थ्रेड को आगे रखना है, निडल को डालना है, इन पूरे जितने भी थ्रेड जिसके अंदर है वहाँ से निकालते हुए ऐसे, देखिए जैसे हम आई बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही हमें इसका पूरा राउंड बनाते जाना है, और जो यहाँ से थ्रेड्स हैं वो सारे अंदर की तरफ फिक्स होते चले जाएंगे। बहुत सुंदर बनता है ये। जब कभी हम इसे, हम ऐसा भी बना सकते हैं कि हम जो सबसे छोटे वाले मिरर्स हैं इन्हें अपने सूट की स्प्रेडिंग कर लेते हैं, जैसे सूट में कहीं कहीं ये लगा दिया, दुपट्टे में कहीं कहीं ये लगा दिया, स्प्रेडिंग कर ली, बहुत सुंदर लगते हैं ये बनने के बाद। देखिए देखिए मेरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब मैंने इसके अंदर को फर्स्ट वाला जो था उसके अंदर से निकालते हुए नीचे से इसे निकाल दूंगी। अब हमें जो मेन काम करना है उसमें ये है कि अगर हम इसे पक्का नहीं करेंगे, अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ऐसे उठता रहेगा, हमें इसे उठाना नहीं है, इसलिए हम इसे फिक्स करेंगे। हम इसकी फोर साइड्स से इसके अंदर से यहाँ से थ्रेड निकालेंगे, और देखिए जो वर्क हमने किया है, देखिए जो वर्क हमने किया है उसके अंदर से ये ऐसे थ्रेड निकाल लेंगे। देखिए एक साइड से पक्का हो गया, अभी यहां से उठेगा नहीं, इसी तरीके से मैं यहां से भी इसे ऐसे पक्का कर दूंगी। ये देखिए ऐसे ही मैं इसे यहां से भी पक्का कर दूंगी, ये फिक्स हो जाएगा अब यहां पर, और ये उठेगा नहीं, और ये वॉशिंग के बाद निकलता भी नहीं है ऐसे। अगर हम इसे पक्का कर देते हैं तो ये वॉशिंग के बाद भी इसका कुछ नहीं होता है, हम इसे वॉश भी कर लें तो भी ये एज इट इज ऐसे ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको जो है एंकर के थ्रेड से इस मिरर पे बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम इस तरह से जो ये है स्क्वायर्स बनाएंगे टू, उसके बाद हम इसे बटन होल स्टिच से फिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है एंकर का ऐसे थ्रेड ले लिया है, एंकर के थ्रेड में जो है ये 6 फ्रेंड्स होती हैं, तो हमें अपनी मर्जी से देखना है। जैसे मेरा ये मिरर है, जैसे मैंने ये पिंक कलर का मिरर लगाया, ये मैंने 4 स्ट्रैंड से लगाया था, तो ये थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर है वो मोटा मोटा बना है, थोड़ा सा हैवी हैवी बना है, तो आपने अपने मिरर के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कितने स्ट्रैंड यूज़ करने हैं। मैथड सबका सेम ही है, मैथड में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ इस मिरर में मैथड सेम रहेगा, स्ट्रैंड आपने डिसाइड करनी है कि आपने 1 स्ट्रैंड से लगाना है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से। तो जितना भी मोटा आपने, जितना भी आपने हैवी हैवी लुक दिखाना है मिरर का, आप उतने स्ट्रैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप इस मिरर में करके दिखाऊंगी, तो मैं इस मिरर में 2 से भी कर सकती हूँ, 3 से भी कर सकती हूँ, इसका साइज नॉर्मल है, और अगर मैं इसमें करूंगी तो मैं इसमें 1 स्ट्रैंड से भी कर सकती हूँ, 2 से भी कर सकती हूँ। तो आपका ये डिसाइड आप खुद करेंगे कि आपने कितने स्ट्रैंड से जो है वो मिरर लगाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी निडल में थ्रेड डाल लिया है। मैंने टू स्ट्रैंड्स लिए हैं, वैसे ही लिया है जैसे मैंने येलो लिया था। एक साइड से धागा छोटा लिया है, एक साइड से बड़ा लिया है और एक साइड पे मैंने नॉट लगा दिया है। तो देखिए मैं अब इस मिरर को आपको लगा के दिखा रही हूँ। कहीं से भी डालेंगे, हमने टू स्क्वायर्स बनाने हैं। बड़े वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक लाइन हो गई, सेकंड लाइन देखिए। फ्रेम को जो है वो घुमाना पड़ता है इसमें बार बार। देखिए फिर से हम फ्रेम को घुमाएंगे। चारों में से किसी भी सेंटर से हमने नीडल को बाहर निकालना है और दूसरे सेंटर में से ऐसे धागा उठाता है, फिर फ्रेम को घुमाना है। इसके अगले वाला सेंटर है, सेंटर में से ले लेंगे छोटा छोटा स्टिच। देखिए अब यहाँ पर इसमें से ले लेंगे और फोर्थ वाला यहीं बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे टू स्क्वायर्स बन गए हैं। टू स्क्वायर्स बनाने के बाद हमने क्या किया, कहीं से भी निडल निकाली और अब हम यहाँ पे बटन होल, कार्ड, स्टिच, जो भी जिसको समझ में आए इस तरीके से लगा देंगे। मेक श्योर हम इसे ज्यादा ज्यादा पुल ना करें। अगर हम इसे बहुत जोर से पुल करेंगे तो इसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है। तो इसमें बहुत स्लो स्लो, बहुत ही आराम आराम से इसे पुल करें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने ये इसको यहाँ से फर्स्ट वाले में नीचे से निकाल देंगे और बस हमने क्या करना है, मिरर हमारा लग गया है, हमने क्या करना है, सब बस इसको फिक्स करना है। तो हम इसके इसको कहीं से भी निडल को बाहर निकाल के और यहाँ पर फिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज मिरर लगाना सीखा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे सिखाने के तरीके में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी गलती लिखें ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो देखिए मिरर लग के कम्प्लीट हो गया, नीचे से हम इसे नॉट लगा के कट कर देंगे थ्रेड को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको मैंने थ्रेड से और एंकल थ्रेड से और नॉर्मल थ्रेड से दोनों तरीके से मिरर लगाना बताया। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इससे कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपसे अभी शेयर करूँगी अपने बनाए हुए जो प्रोजेक्ट है मिरर वर्क से वो सब। थैंक यू। राधे राधे।